नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए नोएडा एक्सटेंशन में आप एक विला लेके आया हूँ जो कि एक मूर्ति गोलचक्कर के पास में रहने वाला है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये 80 गज का विला का एक सैंपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए विला बना के भी रखते हैं और ऑन डिमांड पे आपके अकॉर्डिंग बना के भी प्रोवाइड करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ इस 80 गज विला की, तो 19x38 का इसका डायमेंशन रहने वाला है और फ्रंट साइड की जो रोड है आपको मिल जाती है तो यहाँ 20 फीट की मिल जाती है। एक चीज मैं बता दूं, इस सोसाइटी के अंदर आपको 20 फीट 22 फीट 24 फीट 26 फीट की भी गलियां मिल जाती हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। गली की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सीवरेज का कनेक्शन आपको यहां पे रनिंग में मिल जाता है। आप देख सकते हैं सीवरेज होगा, प्रॉपर रनिंग में रहने वाला है आप लोगों का। इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन प्रॉपर मिली हुई है आप लोगों को। बसावत आप देखोगे प्रॉपर आपको यहां पे देखने को मिल रही है। लोगों के घर बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं, लोग यहां पे रह रहे हैं। जो फॉर्मेट है सबका एक जैसा हमने रखा हुआ है, बट ऑन कंडीशन ऑन डिमांड कस्टमाइजेशन भी अलाउ रहता है। आज ही मैं आपको इंटरनल साइड से व्यू दिखाता हूँ इसका, कि इसका व्यू कैसा रहने वाला है। जब आप एंट्री करते हो तो लोहे का गेट हमने दिया है और एक हैचबैक कार के लिए एक पार्किंग सेक्शन बना के दिया है आप लोगों को। ये आपका पार्किंग सेक्शन एरिया है जहाँ पे एक हैचबैक कार आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। प्लस यहाँ पे आप लोगों का रहेगा सेफ्टी टैंक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, समरसेबल हम करा के देते हैं, जिसका कनेक्शन हम बाहर की तरफ रखते हैं, इंटरनल ब्लॉक कर दिया जाता है उसको, जिससे कोई इसे छेड़ ना सके। एंट्री की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दो एंट्रियाँ मिल जाती है। एक एंट्री मिलती है उस साइड से और एक एंट्री मिलती है यहाँ पे। एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ और माफ़ी मांगना चाहूँगा, अभी लाइट वगैरह कनेक्शन प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये सैंपल जस्ट अभी रेडी हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, जिससे अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो विला का लोएस्ट प्राइस में या बेस्ट प्राइस में और बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। सोसाइटी की बात करूँ तो वृंदावन गार्डन नाम से ये सोसाइटी रहने वाली है, जहाँ पे 1600 प्लस हाउसिंग का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ओके, इंटरनल जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पे हमने दे दिया सिंक और बाहर ही हमने दे दिया आपका कॉमन वॉशरूम, जिससे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए आउटसाइड में ही ठीक रहेगा। और स्पेस वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन की अगर बात करूँ तो विंडो वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड कराई है हमने, और इस साइड भी आपका फ्रंट साइड में पूरे विंडोज वगैरह प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, आपका ये ड्राइंग सेक्शन एरिया रहने वाला है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा और काफ़ी बड़े साइज में आपको हमने ड्राइंग सेक्शन एरिया प्रोवाइड कर रखा है। अगर मैं इसकी लेंथ और विड्थ की बात करूं, 18 ये लेंथ मिल जाती है और 10 की विड्थ मिल जाती है, यानी 19x10 का ये आपका डायमेंशन रहने वाला है ड्राइंग सेक्शन एरिया का। और हमने जो आपके फॉल सीलिंग दी है तो जस्ट POP वर्किंग के साथ एक कॉमन सा नॉर्मल सा बेसिक सा डिजाइन बना के दिया है, पर जितनी लाइट्स हैं आपकी कोब लाइट्स रहेंगी जो कि आपके वॉल के इंटरनल साइड में फिटेड है। उसके बाद ये आपका किचन सेक्शन एरिया है। किचन सेक्शन एरिया की बात करूं तो काफ़ी अच्छा एरिया हमने दिया है, दो लोग आराम से यहाँ पे खड़े होकर काम कर सकते हैं। इस साइड आपका वेट सेक्शन एरिया है, टैप्स वगैरह प्रॉपर लगा के हम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपका जो वुडन वर्क होता है प्रॉपर हम आपका वुडन वर्क करके दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की वर्किंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और वेंटिलेशन के लिए, कुकिंग के टाइम के लिए विंडो हमने आप प्रोवाइड कर दिए, ऊपर जाला भी लगा के दिया है। एंड इसी साइड आगे की तरफ तो ये आपका स्टोरेज कैबिनेट सेक्शन है, जिसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। जो वुडन मटेरियल वर्क होता है काफ़ी बेसिक क्वालिटी का रहता है, बेस्ट क्वालिटी रहती है, कोई हल्की क्वालिटी हम आपके लिए प्रोवाइड नहीं कराते हैं। प्लस अब इस साइड आपके पास पूरा का पूरा किचन सेक्शन एरिया में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। जैसे मैंने बोला अंदर देखोगे तो स्टोरेज भी आपको इंटरनल साइड में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये जो 80 गज का विला है दोस्तों, 2 रूम सेट के साथ बनाया गया है, एक ड्राइंग एरिया दे रखा है बिग साइज का और 2 फ्रंट साइड के आपके रूम रहने वाले हैं। अगर आप कस्टमाइज कराते हो, अपने अकॉर्डिंग नक्शा बनवाते हो, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। प्राइसिंग वगैरह मैं अभी बताऊंगा, फैसिलिटीज़ भी आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले रूम देख लेते हैं, आ जाते हैं मास्टर रूम की ओर। ये आप लोगों का मास्टर रूम रहने वाला है, काफ़ी बिग साइज़ का इसमें आपको रूम मिल जाता है। साइज की बात करूँ तो 14x10 का ये आप लोगों का डायमेंशन रूम रहने वाला है। प्लस फॉल सीलिंग की बात कीजिए तो इसमें भी POP वर्किंग के साथ हमने काम करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आगे तरफ आएंगे तो ये आपका यहाँ पे अटैच वॉशरूम रहने वाला है, जो कि दोनों रूम को कनेक्ट करता है। और स्पेस वाइज देखोगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। वेस्टर्न शीट लगाइए, टाइल्स वगैरह जो हमने 7 फीट तक की दी हुए, शावर वगैरह प्रॉपर लगा के दे रहे हैं, जो टैप्स वगैरह होती हैं सारी चीज़ें हम आपको लगा के दे रहे हैं। और ये आपका वॉशिंग सेक्शन एरिया भी रहने वाला है, यहाँ पे स्विच हमने दे दिया जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन लग जाएगा, तो स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है। और ये आपका सापट रहने वाला है, जो कि वेंटिलेशन के लिए हमने प्रोवाइड किया है। कोई छोटा साइज सापट नहीं दिया है, अच्छे खासे बिग साइज में दिया हुआ है। अगर साइज की बात करूँ तो आपका 3x5 में ये साइज रहने वाला है। आज ये सेकेंडरी रूम के अंदर, ये आपका 10x11 का सेकेंडरी रूम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10x11 का एक किंग साइज का बेड लग जाएगा, प्लस आपकी अलमीरा लग जाएगी, फिर भी आपके पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बच जाता है।
और बाहर की तरफ आ जाएंगे तो अगेन आप आ जाते हैं अपने किचन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये था 80 गज का एक छोटा सा प्यारा सा बजट फ्रेंडली विला। चलिए मैं आपको आउटर साइड से व्यू दिखाता हूँ छत के ऊपर चल के। यहाँ पे आपके रहेंगे स्टेयर्स इस साइड से दिया हुआ है, आपके ग्रिलिंग्स का प्रॉपर काम हो रखा है। अब जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे अगर मैं अप्रूवल की बात करूँ तो यहाँ पे हमने विंडो लगा के दे रखी है वेंटिलेशन के, इसके ऊपर आपका मिरर वर्क हो जाएगा जैसे सामने हो रखा है, सामने वाले घर में देख सकते हैं। अप्रूवल की मैं बात कर रहा था तो G+3 का आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों आ जाइए, चलते हैं आपके टेरिस पे। एंड अब बात करते हैं प्राइसिंग की, फैसिलिटीज़ की एंड कनेक्टिविटीज़ की, कि आपको क्या क्या कनेक्टिविटीज़ यहाँ पे मिल जाता है। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो एक मूर्ति गोल चक्कर से ये प्रोजेक्ट आपका 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहने वाला है। गौर सिटी से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। कनेक्टिविटीज़ के साथ साथ अगर मेट्रो स्टेशन मांगते हो आप लोग तो Sector 52 का रनिंग मेट्रो स्टेशन मिलता है जो कि 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इस समय अवेलेबल है। प्लस अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आपका रहेगा यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो कि रहेगा एक मूर्ति गोल चक्कर पे। प्राइसिंग की अगर बात की जाए जो यहाँ पर अगर आप प्लॉट वगैरह लेते हो, प्लॉट लेना चाहते हो तो 55,000 रुपये गज प्राइस रहेगा प्लॉट का। प्लस सिंप्लेक्स विला अगर आप लेते हो तो 70,000 रुपये पर गज का प्राइस रहने वाला है। अगर आप ये 80 गज का विला जो आपने अभी देखा है इस टाइप का लेना चाहते हो, बनवा के लेना चाहते हो तो 55 लाख के अंदर आपको ये मिल जाएगा। लोन फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, 20% डाउन पेमेंट कर सकते हो, 80% तक का आप लोगों का लोन फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ मैंने सारे क्वेश्चन सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी है। तो मार्केट वगैरह अगर आपको जाना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सोसाइटी के अंदर सारी कनेक्शन आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है मार्केट के रिगार्डिंग। तो अब हम अलविदा करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।